वालेकुम क्या हाल चाल आपका? खैरियत से सारे? अच्छा, सर। जी आज जो है लेट हो गए क्लास में ना, थोड़ा सा काम शाम था, लेकिन आप परेशान ना हो, हम बहुत जल्द अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे प्रॉपरली। क्या खा रहे हैं? शुक्र जी सर अलजेब्रा के नाम से फोल्डर ही बनाया था हमने, और अच्छा तो याद है वो हमने जो पढ़ना था वो याद है? कोई है बेटा? जी सर। आप याद है वो पेज नंबर कौन सा था जिससे हमने चलना है आगे? शोर है तो अपना माइक बंद कर लिया करें प्लीज। अब ये चाबी है नहीं, ये मोटरसाइकिल जो काट दी जो बेकार खड़ी थी। सर सोच सोच के बोल रहा है दिन जहां से चल रहे थे। ये उजैर मकबूल, उजैर और अरसलान, बेटा अपना माइक बंद करो। उजैर अरसलान जी सर। सर 254 था पेज नंबर। 254 ये हम यहाँ से पढ़ना चाह रहे थे ना। मैं बताता हूँ आपसे, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसको। अच्छा देखिए, ये हम डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं, रिंग और फील्ड की डेफिनेशन तो हमें आनी चाहिए हर सूरत में ना। ये बात समझ आ रही है? हेलो जी। जी सर। बेटा कोई एक बच्चा मेरे साथ बोला करे, सिर्फ एक बच्चा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आवाज जा रही है, ठीक है? सिर्फ एक बच्चा। सो फार वी हैव स्टडीड ग्रुप व्हिच इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप के बारे में बातें जानते हैं, जो कि हमारे पास एक क्या था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर वन बाइनरी ऑपरेशन था। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी रिंग व्हिच इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैविंग टू बाइनरी ऑपरेशन। तो रिंग और जो फील्ड हम पढ़ेंगे वो कौन से बाइनरी ऑपरेशन है जिनके अंदर दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन है। डेफिनेशन है, सपोज आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट रिस्पेक्टिवली। That is for all if we belong to R, we have, यानी कि R के ऊपर दो binary operation है, एक addition के हिसाब से और दूसरा dot multiplication के हिसाब से। अगर binary addition binary operation है तो फिर for all if we belong to R, तो उनका sum जो होगा AB का वो भी क्या करेगा, R से belong करेगा। क्योंकि last time शायद मैं आपको बात बता चुका हूँ, या शायद नहीं बताई, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जी शायद मैंने आपको बात बताई थी लास्ट टाइम ना, ये याद है आपको कि हमने कहा था ये एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये कैसे, ये ए क्रॉस ए से ए पे जा रही है, समझ आ रही है? उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक ए यानी कि जो एडिशन, इस एडिशन का नाम अगर आप इज इक्वल टू एफ रख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और यहाँ पर एडिशन की जगह क्या आ सकता है, यहाँ पर एफ आ सकता है, कि एफ जो है वो क्या करेगा, यहाँ इस ये जो सेट है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, एक ऑर्डर्ड पेयर लेता है
और उस पे एक्ट करता है, तो कैसे एक्ट करता है वो इस तरीके से डिफाइन किया है ए प्लस बी। वो कैसे डिफाइन किया ए प्लस बी, समझ आ रही बात होगी? जी सर। चेक, ठीक है। और इसी तरीके से डॉट से मुराद क्या है, वो डॉट इस ऑर्डर पेयर पे एड करेगा तो आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि एडिशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो लिखा हुआ ना फॉर ऑल ए बी, ये फॉर ऑल ए बी वी हैव दिस, ये बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है कि एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर वी हैव, यानी कि ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर वी हैव ए डॉट बी, यहाँ डॉट है बेसिकली ना। तो इसका मतलब डॉट और एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है आर के ऊपर। अगर दो बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए आपके पास तो फिर ये जो नोटेशन है ये क्या बन जाती है, दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। समझ आ रही है? जी सर। लड़कियां कहाँ है? लड़कियां तो नजर ही नहीं आ रही। जी सर। और कौन है लड़कियों में से? जी सर। लड़कियों में जनाब निमरा है, सहर है, जरताशा है, सहर खुर्शीद है, आमना है, ये है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, हमने कहा कि ये जो पेयर, ये जो आपको ट्रिप कर आ रहा है, दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड डॉट, ये तो अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया, सॉरी, आर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं रिंग होगा अगर फॉलोइंग कंडीशन होल्ड कर जाए। रिंग क्या मतलब, ग्रुप बन जाए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अब ये देख रहे, ये चार जो पॉइंट्स हैं ये तो एबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन है। एबेलियन ग्रुप के अंदर जो एक्सियम होते हैं वो है, ये तो क्या कहला है, वही है या नहीं? अगर आपने ग्रुप पढ़ा था फिर तो आपको पता होना चाहिए। जी सर, वही। ओके जी सर, ठीक है। उसके बाद फिर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर एबेलियन ग्रुप पे डॉट के रिस्पेक्ट से ये सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डॉट, सेमी ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेट जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हो, पहली बात, और दूसरा है वो उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव हो, तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। समझ गई बात बेटा? जी सर, समझ आ गई। सेमी ग्रुप वाली बात रिपीट कर दो प्लीज। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हो और उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत वो क्या हो एसोसिएटिव हो, उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अब देखें, अब ऊपर हम ये बात करके आ चुके हैं इस रिस्पेक्ट से ये क्लोज है, इसका मतलब है डॉट तो बाइनरी ऑपरेशन आ गया और पांचवी बात उसने कर दी एसोसिएटिव के लिए, तो सेमी ग्रुप बन गया। क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? यस सर। ओके, दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूटेड, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन फ्रॉम द राइट साइड, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द साइड, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट? यस सर। ये कह चुके हैं कि एडिशन की रिस्पेक्ट से ये क्या है, पहले ऑपरेशन के तहत ये क्या है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। तो अगर पहले ऑपरेशन के तहत ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी का करेक्टर क्या है, जीरो जो है वो आइडेंटिटी का करेक्टर अदा कर रहा है, ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी सर। फिर उसने समराइज किया इस डेफिनेशन को, आर विल बी एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, द एलिमेंट जीरो बिलोंग टू आर विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज कॉल्ड द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, एंड इन ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, देयरफॉर ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है।
बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप ज्यादा ज्यादा सीख सकें, क्या ख्याल है? जी सर ठीक है। जी सर ठीक है सर। ऐसे आपको कोई हेजिटेशन तो नहीं है ना? बताएं। बोलो बेटा। हेलो। जी सर ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बुक से पढ़ने में कोई हेजिटेशन तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा ये तो थी रिंग की डेफिनेशन है, हमें तो जो पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया रिंग की डेफिनेशन। अब आगे हम पढ़ना चाहते हैं फील्ड की डेफिनेशन। फील्ड सर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा सर बस मुझे एक मिनट दे दें, एक मिनट तो होगा आपके पास। जी सर। नेक्स्ट क्लास कौन सी है? रियल की सर, रियल की। अच्छा ये देखें, ये डेफिनेशन मैं पेज नंबर बता के जा रहा हूँ 275। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ के आनी है। ठीक है, और आज का काम हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। फिर हम ये अच्छी तरह पढ़ के आनी, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, कल क्लास है सर? है नो सर, फ्राइडे हमारा ऑफ है। अच्छा बस सही है, ठीक है, ये मैं बस स्नैपशॉट ले लूं, फिर आप बेशक जा सकते हैं। स्नैपशॉट कैसे लेते हैं इसका? जरा एक मिनट रुकिएगा, जरा सिर्फ एक मिनट, मैं जरा पूछ लूँ स्नैपशॉट कैसे लेते हैं इसका। अच्छा ये वाले सर, ये जूम पे क्लास लेती है तो उसका स्नैपशॉट कैसे लेती हैं आप? सर लैपटॉप से ले रहे हैं सर। हाँ सर, एक मिनट, मैं आप बेटा आपसे बात नहीं कर रहा, एक मिनट होल्ड करें सारे आप। अब वो कैसे लेती है बता दो ना थोड़ा सा। हाँ हाँ एक मिनट, SNI आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसे न्यू करना है? हाँ उसमें न्यू कर दो, न्यू। अच्छा हाँ बस समझे, एक सेकंड होल्ड करना जरा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ठीक है बेटा, आप लोगों से भी अल्लाह हाफिज कर लेते हैं, सिर्फ एक मिनट और देते हैं आप लोग। आज क्या डेट है? 18 सर। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।